आज हम पहुंच चुके हैं खान चौराहा, ये करनगंज के पास पड़ता है। तो आज हम खाने वाले हैं कुछ नया चीज़। तो भैया ये वाला हमें चीज़ खिलाइए जो रखा हुआ है सामने आपके पास। ये वाला 10 रुपये का डाल दीजिए। कैसा है? अच्छा रहता है ना? हाँ, डाल दीजिए 10 रुपये का। और इसको आप फ्राई करेंगे ना पहले? फ्राई तो कर रखा है ना पहले से? हाँ। तो इसको आप एक बार जो है हाफ फ्राई करके लेकर आते हैं, पूरी फ्राई यहाँ पर करते हैं। तो डाल दीजिए, देखते हैं कैसा स्वाद है और कैसा है। आइए सुशील, खाया जाए। और ये किस चीज़ का बना होता है भाई? आलू का। आलू का बना होता है, सही है वैसे। तो भाई ये 10 रुपये का डालिए भाई, कम मत करिए, क्योंकि भाई जानते ही हो खाने में तो मैं बहुत माहिर हूँ और आगे हूँ। तो भाई 10 रुपये का भैया देख रहे हैं, लगभग 100 ग्राम के करीब है डाल रहे हैं। और इसमें कोई क्वान्टिटी होती है ना कि कितना 10 रुपये का देते हैं? कोई नाप तोल होता है ना? होता है नाप तोल, क्योंकि बोल नहीं रहे, बोले शर्म आ रहा है। तो कोई बात नहीं है, हम खुद ही इसमें कॉपरेट कर लेंगे। ऐसे काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। तो कितने देर में तैयार हो जाती है? 3 मिनट, लगभग 3 मिनट। तो 3 मिनट तक इंतज़ार कीजिए आप। हाँ, तो कंप्लीट हो गया ना ये लगभग? हाँ कंप्लीट है। तो इसको आप अभी टिश्यू पे, मतलब अखबार पे निकालेंगे इसको, या दोनों में निकालते हैं? अखबार। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, कलर फ्लोर इसका बहुत अच्छा आ चुका है भाई। इसका जो है एक्स्ट्रा वायल जो है निकल चुका है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों भाई? और इसको अभी हम लोग खाएंगे। तो इसमें आप क्या पड़ेगा, ये कौन सा मसाला है? ये चाट मसाला। ये चाट मसाला मार्केट से लेते हैं कि अपने आप बनाते हैं? अपने आप बनाते हैं। अच्छा अच्छा, अपने आप, बहुत सही यार। तब तो यार बहुत सही बात है, अगर कोई खान चौराहा या नज़दीकी के सब्सक्राइबर से वो आके खा सकते हैं भैया की दुकान पर, बहुत अच्छा रहता है और शुद्ध चीज़ बनाते हैं। ये इसमें कौन सा तेल यूज करते हो? इसमें फारचून यूज करते हैं, बोला फारचून तेल यूज कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं। और इसके साथ में ये चटनी दे रहे हैं, चटनी कौन सी? लाल वाली जी भैया? क्या क्या लाल वाली चटनी कौन सी है पता है तुम्हें? बनाते हो कि मतलब किस चीज़ फ्लेवर से इसमें रहते हैं? नहीं, अदरक लहसुन मिर्चा। अच्छा अच्छा, अदरक लहसुन मिर्ची और अरारोट टमाटर सब कंप्लीट करके है ना? तो ये कंप्लीट खाने के लिए अपना, तो चल के हम बैठे फिर खाएँ। और इसके साथ में चटनी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो सुपर है भाई। तो हम ये खान चौराहा पे दीपक भाई की दुकान पर आए थे, बहुत अच्छा इन्होंने बनाया भाई। थोड़ा तीखा लग रहा था, मीठी चटनी डालना अलग डाली थी, तो हमारे साथ ना इसी में डाल दो, इसी में कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगी। चलो, तो जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने अलग इसी में मांगा था, लेकिन इन्होंने इनकी जो है वो देखिए कि अलग लेकर आए हैं। और पानी होगा, पानी लाओ तो भैया, हम तो पानी उठा देंगे। लो अपना, आप भी खाओ ना। बहुत अच्छा है भाई, क्लोज कर दो। तो भाई बहुत अच्छा है। और भाई मुझे खाने पीने की आदत है, तो मैं खाता रहता हूँ, ठीक है? और कुछ खाया जाए ना? तो गाइस फिंगर में तो मज़ा आ गया था, लेकिन अभी जो है थोड़ा जुकाम है ना, तो इसलिए थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है। तो अभी हम रोल को तला रहे हैं। और ये रोल किस चीज़ से बनता है भाई? अरारोट मैदा का। और इसके अंदर स्टेम क्या हो रहा है? स्टेम है, रोल है, इस पर चाउमीन भरी है। अच्छा अच्छा, और कैबेज रहता है, गोभी भी रहती है ना? हाँ, प्याज प्याज, अदरक लहसुन इसके अंदर सारा रहता है ना? तो बहुत लाजवाब है। चलो देखते हैं कैसा रहता है खाने के बाद। रोल में 5 कितने बने? 6 बने हैं ना, 6 पीस। लेकिन भाई चलो देखते हैं 6 पीस कितने लाजवाब होते हैं, ये तो खाने के बाद पता चलेगा। इस पर भी मसाला डाल देंगे। मसाला मतलब जो प्रोडक्ट आप देखते हैं चाउमीन को छोड़ करके सब पे डालते हो? ये चाउमीन पे डालते हो? मसाला चाउमीन पे। चलिए देखते हैं, चटनी तो आप उसी में रख दीजिए जो मैं खा रहा था। याद देखा भैया, इसे यार कहते हैं देहात में सरियारी। ये है रोल और ये है मीठी चटनी और बकरी और ये है तीखी चटनी। तो इसका लेंगे अभी हम स्वाद। स्वाद कैसा लगा आपको? अच्छा है, लाजवाब है स्वाद इसका। और अभी एक और चक्कर के देखते हैं। शर्मा कह रहे भैया, बनाना वीडियो, बनाना वीडियो बनाओगे तब ना दिन पैसे जैसे आएंगे, इस पैसे से खाएंगे हम तो। हाँ।